नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं मेरे चैनल आई एम के हब। और आज की इस लेटेस्ट वीडियो में आप देखते हैं हम बात करेंगे फौजी गेम जो कि लॉन्च हो चुकी है आज 26 जनवरी को। और ये रहा हमारा गेम 26 जनवरी 2021 में एक ये नया गेम जो है फौजी लॉन्च हुआ है एनकोर गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू। तो गेम की सारी इन्फॉर्मेशन, गेम के ग्राफिक्स कैसे हैं और क्या ये पबजी के लायक है या पबजी जैसी है कि नहीं, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। जो रेटिंग है इसको 4.7 मिल चुकी है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये रहा हमारा गेम फौजी, इसको हम फटाफट से क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर लिखा होगा एनकोर गेम्स और उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा गेम। तो यहाँ से मैं करना है एक्सेप्ट, लोडिंग हो रहा है यहाँ पर और फिर कनेक्टिंग टू सर्विसेज। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो उसमें था मूव होता था ऐसा कुछ इसमें नहीं है। चलते हैं सेटिंग्स पे। ये जो अभी हम मीडियम पे खेल रहे हैं इसको हम बढ़ा सकते हैं क्या? यस, अल्ट्रा तक जा रहा है तो अल्ट्रा तक खेलते हैं इसको। और इसे बैकग्राउंड वॉल्यूम भी बढ़ सकता है तो इसको भी कर देता हूँ मैं कम्प्लीटली फुल। और सेंसिटिविटी जो है वो ऐसी है और एम सेंसिटिविटी कुछ ऐसी है। तो चलिए इन सबको रखते हैं सेव। और एक सेटिंग और है यहाँ पर, जैसे कि आप प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्टैक्ट वगैरह, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो फिलहाल इतना ही है। और यहाँ पर आप अपने रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं। और चलिए बेस चलते हैं, हम गेम को करते हैं स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके से गेम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से करेंगे स्टार्ट और ये कुछ इस तरीके से शो होगा। June 15th 1400 आवर्स, मतलब जो भी पहले का है। और जो कि ये आपको दिखाता हूँ मैं, से झंडा नदा रहे हैं। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोस अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। तो दोस्तों जो गेम है उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक देने के लिए कुछ इस तरीके का बनाया गया है, ताकि मतलब थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो पाए कि उस जगह पे हुआ क्या था एक्चुअली में और क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर हुई थी। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया, कैसे सॉल्व किया गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये गेम के स्टार्टिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो उनका सर चकरा रहा था, पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि, फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके की रही इसकी। यहाँ से फटाफट से स्टार्ट हो जाएगा गेम। यहाँ से करते हैं स्किप। तो ये हमारा देखिए फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स लोडिंग हो रहा है। तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है, इसको हमें मूव करना है। और दोस्तों ये कुछ अगर इसको हम साइड से, जैसे पबजी में क्या था वो रन करता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सिंपली इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये ग्राफिक्स भी मेरे को काफ़ी हद तक अच्छे लग रहे हैं। सीरियसली बताऊँ ग्राफिक्स जो हैं मैं पबजी से कंपेयर कर सकता हूँ। और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये यहाँ पर बंदे आ गए, इनको फटाफट से मारना है। ये फायर बटन है इसका एक तरह से, ये समझिए। ये तो गया और ये कुछ इस तरीके से इसको, ये ऐसे इसको दबा के रखेंगे तो होल्ड करेगा कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब फटाफट इसको मारेंगे। तो यहाँ पर ये एंडिंग हो गई है। चलते हैं थोड़ा सा आगे और इसको हम ऐसे करके मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो इसे देख सकते हैं यहाँ पर रेस्ट करेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो फुल होगी। तो एक कुछ इस तरीके का फीचर भी इसमें गेम के अंदर प्रोवाइड हुआ है, तो ये भी देखने वाली बात है। फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर आके हमें सिट करना है सिंपली। ये कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा और
ये बहुत ही रियलिस्टिक प्रोवाइड करता है और मेड इन इंडिया गेम है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया ने जो ग्राफिक्स हैं इसके बहुत ही अच्छे बनाए हैं एनकोर गेम्स ने, और इंडिया की काफ़ी हद तक अच्छी गेम हो सकती है। और दोस्तों मतलब कि अभी प्लेयर टू प्लेयर गेम नहीं है लाइक पबजी, बट इन द फ्यूचर सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, तो देखते हैं कि जो भी है ठीक है, आपको इसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन इसमें जैसे जंप वगैरह का ऑप्शन नहीं है और बाकी और चीज़ें, थोड़े से ग्राफिक्स और हो जाएंगे क्लियर, तो इसको चलते थोड़ा सा और आगे। और ये हमारे पास एक वेपन आ गया, इसको लिया हमने, नाउ हम इसको यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ करें, अब ऑटोमेटिकली ये शो करेगा, ये इसको यूज़ करो फटाफट से। तो ये यहाँ पर ओवर, अब मैं इसको भी उठा लेता हूँ, चलिए तो यहाँ पर और भी आ गए, इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों गेम है कुछ इस तरीके का है, मेरे को काफ़ी सही लगा। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है हमारी सक्सेस हो चुकी है, वेल डन, और ग्रेड एस वगैरह जो कि मेरे को प्रोवाइड हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, इस पर करते हैं क्लिक। तो दोस्तों जो गेम है वो ठीक है, इस सैमसंग गलेक्सी M20 में जो एक्सिनस का प्रोसेसर है इसमें काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ग्राफिक्स इसके बहुत ही अच्छे कंट्रोल्ड हैं। और दोस्तों कुछ इस तरीके से इसमें आपको कुछ वॉइसेस सुनने को भी मिलेंगी रिलेटेड टू द गेम। तो ये यहाँ पर थोड़ी फाइट हो रही है, इसको ख़त्म करा हमने, इसको मारते हैं, हम इसको मारेंगे, 360 वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है जो कि आपका प्लेयर मारेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है, नाउ चलते हैं सिंपली, हमें वापस से इसको ही बैठना है यहाँ पर। तो मैं अल्ट्रा पे खेल रहा हूँ तो इसी वजह से थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का लैग मेरे को शो हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से एनर्जी कलेक्ट करेगा और नेक्स्ट हमें आगे चलना है। कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। ये ओवर, अभी तक मेरे और घुस बैठी, चलिए इनको भी मारा जाए। दोस्तों जो वीडियो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बिकॉज मैं एक गेम का जो ये वाला जो मैप है इसको मैं पूरा एक बार खेलना चाह रहा हूँ, मतलब कि बस ये वाला जहाँ तक ये जा रहा है, देखते हैं क्या लेवल्स में आगे देखने को मिलता है। और दोस्तों टेक्निकली बोलूँ तो जो गेम के ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं, कुछ और यहाँ पर होना चाहिए था जैसे कि जंप का ऑप्शन, तो ऐसा कुछ है नहीं। चलते हैं आगे, तो इनको सबको मारा गया। हमारे हाथ में आ गया कुछ, और यहाँ पर अब हम रेस्ट करेंगे ताकि हमारी एनर्जी है वो फुल हो जाए। तो दोस्तों यहाँ से अब हम चलते हैं, तो चलिए वेपन की एनर्जियाँ ओवर होगी तो वेपन यहाँ पर हट जाता है, वहाँ बस थोड़ा सा और। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। ओहो 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 हो हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ का आखिरी बंदा है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से और इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। लालटेन की रोशनी में चमक रहा है, ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छा
सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। तो दोस्तों यहां पर चलते हैं, थोड़ा सा गेम को और एक्सटेंड करते हैं, आगे चल के देखते हैं हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं इस स्टेप के बाद हमें और क्या चीज़ मेंशन होती है। लगता है आज मुझे एलिसी के उस पार जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एंडिंग हो गई है, बट कोई नहीं, हम उसको वहीं से, अगर अगला गेम खेले तो वहीं से स्टार्ट होगा। सो दोस्तों जो ओवरऑल गेम है वो मेरे को काफ़ी हद तक ठीक लगा, और स्टार्टिंग में गेम अभी ऐसा ही है, प्लेयर टू प्लेयर अभी नहीं है। बाकी इसमें जो एक एक्शन गेम है जिसमें सिर्फ मतलब आपको प्लेयर्स मिलते जाएंगे, आपको मारते हुए आगे बढ़ते जाना है, तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट इस गेम का। बट अपकमिंग सून में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे लाइक सो स्टोर, यहाँ पर आपको इस चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पर आपके लोड आउट्स में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसके बाद आपके टोकन्स, और ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपको परचेज़ करनी है इस टोकन कॉइन से, और ये कुछ यहाँ पर लोड आउट्स वगैरह, और ये यहाँ पर और फिर यहाँ पर देखते हैं बेस वापस से हम। और तो दोस्तों यही था इस गेम के अंदर, बाकी जो मेरे को लगा ठीक है गेम फ़िलहाल के लिए। और दोस्तों जो गेम में कोई भी इशू नहीं है, मतलब ग्राफिक्स आपके ठीक हैं, बेटर हैं, और जो पबजी से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही डिफरेंट है। बाकी जो ग्राफिक्स पे जो थोड़ा वर्क किया गया वो मेरे को सही लगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि रोज़ लेटेस्ट और टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपके सारी इन्फॉर्मेशन और डाउट्स क्लियर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।